Hello everyone, good morning all of you. Guys, 1 minute. Hello everyone, good morning all of you. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of An Academy, and I welcome all of you to my today's YouTube class of newspaper analysis. हेलो जी, हेलो, सब लोग कैसे हो? ऑल वेल गाइस, ऑल फाइन. सो दिस सेशन गाइस हैपेंस रेगुलरली फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, 10:30 to 11:15 के बीच में आई ब्रिंग दिस सेशन. अभी ये वीक थोड़ा लेट हो रहा था ड्यू टू सम रीजंस, बट नेक्स्ट वीक से शार्प 10:30 हम स्टार्ट कर लेंगे सेशन. ठीक है, यू गाइस कैन स्टे रेस्ट अश्योर. सो गाइज, ये सेशन मैं बता रही थी कि रेगुलरली होता है 45 मिनट्स का इन मॉर्निंग फॉर यू, एंड इस सेशन में सभी को हेल्प होगा जो लॉ एंट्रेंस के लिए अपेयर कर रहे हैं मई 2022 की या दिसंबर 2022 की, एंड नॉट जस्ट लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. इसके अलावा इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर अगर एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि UPSC, बैंकिंग एग्जाम वगैरह, तो भी ये सेशन काफ़ी काफ़ी हेल्प करेगा आपको. ऑलराइट गाइस, सो लेट अस बिगिन. हम जानते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है आज की न्यूज़पेपर में. बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आज. सो रेगुलरली मैं ये सेशन जब ही लाती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं बिना एक एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक मैं ये सेशन लाऊं. और कैसी भी अगर मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ या मैं हेल्थ अच्छी नहीं है, फिर भी आई मेक श्योर दैट आई ब्रिंग दिस सेशन. उतने ही डेडिकेशन से आप लोग भी रेगुलरली ये सेशन अटेंड कीजिए. रेगुलरली अटेंडिंग दिस सेशन विल हेल्प यू इमेंसली. तो करंट अफेयर्स इज समथिंग कि आप एक साथ जमा करके मत पढ़िए. आई मीन पढ़ ही नहीं सकते हो, याद नहीं रहेगा, बहुत सारा जमा हो जाएगा. तो इट्स वास्ट, इट्स वेरी वास्ट. सो अपडेटिंग इट ऑन डेली बेसिस विल रियली रियली हेल्प यू. सो मेक श्योर यू अपडेट इट रेगुलरली, एंड फॉर दैट पर्पज यू नीड टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को तो आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिल जाएगी, एंड देन यू विल नॉट मिस एनी ऑफ द क्लासेस. ओके गाइज, क्लियर है सबको? ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. और एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन तुम लोग से चाहती हूँ, प्लीज़ शेयर अबाउट दिस क्लास एज मैक्सिमम एज पॉसिबल. तो वहाँ शेयर बटन आप देख सकते हो, क्लिक कीजिए. शेयर ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी, सब जगह पे शेयर कर लीजिए. थोड़ा प्यार, थोड़ा मोटिवेशन दिखाइए गाइस, और बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा ये सेशन से. ऐसा आप लोग को कंट्रीब्यूशन देना है इस चीज़ के लिए. ठीक है, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो जाए, आप लोग भी शेयर कर लीजिए फटाफट क्लास के बारे में. मैं आप लोग को मीनवाइल थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ मेरा और अन एकेडमी का. सो गाइज, आई एम निधि ध्रुव, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम. आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद IIMS लर्निंग रिसोर्सेज, स्टिल एसोसिएटेड विद CS एंड कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, वेर आई टीच लॉ सब्जेक्ट्स टू CS एंड कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, एंड आई रियली लव इंटरेक्टिंग विद ऑल द लवली स्टूडेंट्स लाइक यू एंड शेयरिंग माई नॉलेज. दैट्स मी गाइज. व्हाट आर वी डूइंग टुडे? वी आर डूइंग न्यूज़ पेपर एनालिसिस टुडे. ये कुछ फीचर्स हैं अन एकेडमी के. अन एकेडमी ये प्लेटफॉर्म आज की तारीख में सबसे बेस्ट वाला प्लेटफॉर्म है. आई एम श्योर आप लोग में से काफ़ी लोग जो अभी देख रहे हो अग्री करोगे, काफ़ी लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, एंड जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ ज्वाइन इट एज सुन एज पॉसिबल. जितना मतलब बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप जितना हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको. तो अन एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, एंड डाउनलोड अन एकेडमी लर्निंग ऐप. एंड आपको फिर बहुत सारी फ्री क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, क्विजेज, ये सब देखने को मिलेगा. तो जो भी फ्री प्लान है उसको अनलॉक करने के लिए कोड पूछेंगे कि एंटर अ कोड टू अनलॉक फ्री प्लान, देन यू कैन यूज़ माई दिस कोड निधि लाइव. ठीक है, मैम का नाम याद रख लो, पीछे लाइव लगा लो. ठीक है, और फिर फ्री क्लासेस कुछ दिन देखो, मॉक टेस्ट क्विजेस दो, और आपको लग रहा है कि अच्छा प्लेटफॉर्म है तो फिर सब्सक्रिप्शन ले लो. सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप ये सारे बैचेस अटेंड कर पाओगे जिसमें सिस्टमैटिकली एक एक
एडुकेटर अलग अलग सब्जेक्ट के सिलेबस कवर करवा लेंगे आपको. तो ये सारे बैच स्टार्ट हुए हैं ये वीक में. इस बैच में मैं ही खुद लीगल रीजनिंग पढ़ा रही हूँ, आप देख सकते हो. सो ड्यू LLB के लिए भी बैच है. 2024 एस्पिरेंट्स, दोज हु आर इन 10th राइट नाउ, उनके लिए भी बैच है ऑलरेडी, जो 2 साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. ये सारे स्पेशल क्लास इवेंट होते हैं, ज़रूर अटेंड कीजिए. फ्री वाले क्लास के इवेंट्स मैं बताती जाऊँगी एवरी वीक. नेक्स्ट वीक का भी मैं बता दूँगी मंडे को वापस. ये प्राइजेस है गाइस सब्सक्रिप्शन की, देखिए आपको जूम करके दिखा देती हूँ एक बार. इस प्राइस इज़ ऑलरेडी रीजनेबल देन योर कोचिंग सेंटर्स, आप देखोगे तो. और आपके घर के कन्वीनियंस में कोविड में टेंशन नहीं, आपके घर पे बैठ के आप पढ़ पाओगे. एडिशनल 10% डिस्काउंट इस प्राइस पे और मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ माई कोड निधि लाइफ. तो ये कोड यूज़ करना मत भूलना व्हेन यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन, सो दैट आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए. और आज मेरी कौन सी फ्री क्लासेस हो रही है ये बता दूँ तो, मेरा 2 फ्री क्लास हो रहा है आज, 8:30 to 9:30 एंड 9:30 to 10:30. करंट अफेयर्स क्विज 1st to 5th January का करवाऊँगी. सो ये रेगुलर बेसिस पे 5-5 दिन के करंट अफेयर्स का क्विज़ करवाती हूँ. क्विज़ इसलिए है कि आपको बहुत इजीली याद हो जाए करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में. ऐसा नहीं कि सब कुछ आना चाहिए, नहीं भी आता है तो भी आ जाओ, दैट्स ओके. एंड स्टार्टिंग GK क्विज 9:30 to 10:30 है. 2 क्विज हो रही है, मिलते हैं गाइज फ्री क्लास में. बिल्कुल फ्री वाली क्लास है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है. ये सारी टेस्ट है, लाइव क्विज है, ये सारी फ्री वाली टेस्ट है. ज़रूर दीजिए इसे, प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मेक योर सेल्फ मोर परफेक्ट, ठीक है. एंड ये जो चैनल है अनअकेडमी क्लैट यूट्यूब चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, सो दैट यू कैन स्टे ट्यून्ड. कमेंट ऑन आर वीडियोज़, हाउ डू यू फील इट, हाउ डू यू लाइक इट, एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए. थोड़ा प्यार, थोड़ा मोटिवेशन दिखाइए. ओके चलिए, अभी मुझे बोल रहे हैं मैम पढ़ाइए पढ़ाइए, मेरा 1 सेकेंड भी कोई टाइम पास वाली चीज़ नहीं हो रही थी. ये जो भी सारी जानकारी आरुष मैंने दिया ना, तू इतना समझ ले कि देखो बहुत ज़्यादा काम की है, जितना न्यूज़पेपर एनालिसिस काम का है उतना ही ज़्यादा ये काम का जानकारी था. इसका पूरा फ़ायदा कैसे उठाना वो तुम्हारे पे है. मैं तो अपना काम करूँगी, तुमको अच्छी वाली जानकारी जो भी काम की है वो दूंगी, उसका पूरा फ़ायदा कैसे उठाना वो तुम्हारे पे है. सो ये मुझे बताया कीजिए कि पढ़ाइए, मुझे बराबर पता है कौन से टाइम पे क्या करना है, ठीक है. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. आदित्य आपको इतना ही अपने आप पे ये है कि आपको समझ में आता है कौन से न्यूज़ वगैरह, तो यू ट्रूथ इज़ बिटर वगैरह जो भी लगता है आप अपने आप पढ़ लीजिए, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है ये क्लास अटेंड करने के लिए. ओके बेटा, आप अपने आप कर सकते हो. गुफरान नहीं आज जल्दी, और अभी मंडे से सबको बता दूँ 10:30 शार्प चालू हो ही जाएगी क्लास. 10:15 से 10:30 के बीच में ही क्लास चालू हो जाएगी, लेट नहीं की करेंगे अपन. मंडे से एकदम रेगुलर हो जाएगा, ठीक है. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सब लोग को बहुत गुड मॉर्निंग, ठीक है. वेरी गुड मॉर्निंग सुब्रत. गुफरान मैम गुस्सा अच्छा नहीं है सेहत. गुफरान कोई गुस्सा नहीं कर रहा, यू डोंट वरी. ओके चलिए स्टार्ट करेंगे अभी. सैटरडे का दिन है आज, 8th of January है, मुंबई एडिशन लिया हुआ है हमने, और क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है देखते हैं, ठीक है. सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, जो EWS क्राइटेरिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो क्राइटेरिया था उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है. दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ जजमेंट फॉर यू ऑल, एक लैंडमार्क जजमेंट के तौर पर, जो कि ये फाइनल वैसे फाइनल नहीं है, फॉर नाउ टेम्पररी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि अभी एग्जिस्टिंग EWS क्राइटेरिया जो 8 लाख वाला है कि फैमिली इनकम 8 लाख होगा, जिसका 8 लाख या उससे कम उनको EWS रिजर्वेशन मिलेगा नीट काउंसलिंग में और एडमिशन्स में,
तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फॉर नाउ यू कैन बिगिन अंडर दैट ओनली, यू कैन कंटिन्यू विद दैट, बट देन बाद में कंसिडर किया जाएगा. तो अभी के लिए तो ये फाइनल हो गया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला जजमेंट होगा, सुपर इंपॉर्टेंट गाइज, प्लीज़ रिमेंबर, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. मैं स्टार मार्क कर रही हूँ ये वाली न्यूज़, लिख लीजिएगा गाइज, ठीक है? ओके. नो इश्यू आरुष, आप कभी भी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो बेटा. आप क्यों डर रहे हो गुफरान? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ करेंगे. तो ये वाला नीट काउंसलिंग कैन बिगिन अंडर एग्जिस्टिंग EWS क्राइटेरिया, सबको लिख लेना है अपनी नोट्स में. सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया है. इट अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 27% OBC रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा सीट्स. ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड पाया गया है अभी के लिए, इसलिए इसको कंटिन्यू करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. और ये जस्ट हेडलाइन नहीं लिखना है, ये पूरा चीज़ भी आप लिख लेना, ये वाला दिस एंटायर पार्ट वुड बी इम्पॉर्टेंट. तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन लाइट दिया है. विद फ्राइडेज ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन द गो अहेड फॉर नीट काउंसलिंग. की पॉइंट्स फ्रॉम द जजमेंट आर हियर. ओके, सो काउंसलिंग फॉर नीट PG 2021 एंड नीट UG 2021 कैन बी कंडक्टेड, ग्रांटिंग 27% एंड 10% रिजर्वेशन फॉर OBC एंड EWS. सो नीट पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन और काउंसलिंग के लिए जो 27% OBC को रिजर्वेशंस मिल रहा था और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ये कंटिन्यू होगा, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा सीट्स में. क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई EWS कैटेगरी सेम रहेगा, 8 लाख एनुअल फैमिली इनकम के हिसाब से. फाइनल हियरिंग ऑन द वैलिडिटी ऑफ EWS क्राइटेरिया शेड्यूल्ड फॉर 3rd week ऑफ मार्च 2022. तो अभी मैंने जैसे बताया टेम्पररी है, मार्च 2022 में वापस 3rd week में इसकी हियरिंग रखी गई है. तो ये साल का एटलीस्ट इस हिसाब से हो जाएगा. कोर्ट अपहोल्ड्स द वैलिडिटी ऑफ द 27% OBC रिजर्वेशन इन द AIQ सीट इन नीट PG एंड UG एडमिशंस. तो 27% OBC रिजर्वेशन तो जो है ना, वो तो एडमिशंस के लिए UG और PG दोनों एडमिशंस के लिए ठीक ही है, उसका तो गो अहेड है ही. बट EWS के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फाइनल हियरिंग करना है वो 3rd week ऑफ मार्च 2022 में हो जाएगा, ठीक है? तो ये पूरा आपको इतना पार्ट भी लिखना है, ये सारी हाइलाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है? सो गुफरान, यस, ये पूरा चीज़ मार्क करना है. तो ऑलवेज जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि नोट्स मेकिंग में क्या क्या लिखना है उनको बता दूँ. देखिए, मैंने जिस न्यूज़ के बाजू में स्टार मार्क किए उसमें मैंने जितना बेटा हाईलाइट किया है या अंडरलाइन में कीवर्ड्स कर लेती हूँ, तो उसको ज्वाइन करके सेंटेंस फॉर्म में तुम्हें लिख लेना है, ठीक है? और अभी देखो मैंने सिर्फ हाईलाइट कैप्शन और हेडलाइन ही किया है. और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन लाइट का ये पूरा जो बॉक्स में जितना मैटर है सारा कुछ लिख लेना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक अच्छा न्यूज़ है आज इंडिया के लिए. मतलब दो कोविड अभी वापस बढ़ रहा है, तो वी के नो न्यू नेवर नो, थोड़ा ये जो एस्टिमेट्स है हिल भी सकता है. फ्रंट पेज पे ऐसी खबर है कि हमारा GDP ग्रोथ 2022 में 9.2% का हो सकता है. दैट्स टू गुड, बहुत अच्छा ही है. आगे के एक न्यूज़ में पेज में लिखा गया कि इंडिया कैन इवन सरपास जापान एज द सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाई 2030. ये हो सकता है, ये हम पढ़ेंगे आगे, है ये न्यूज़. तो हमारी जिस तरीके से ग्रोथ है इकोनॉमी की, ये काफ़ी अच्छी है अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट, काफ़ी अच्छा हो रहा है. बट ये कोविड ने थोड़ा डिस्टर्बेंस कर दिया है लास्ट 2 साल से. तो NSO ने एस्टिमेट किया है कि फिनेंशियल ईयर 2022 में GDP ग्रोथ होगी 9.2%. बट कोविड कुड इम्पैक्ट फाइनल नंबर्स, ऐसा स्टैटिस्टिकल ऑफिस बता रही है, ठीक है? अनुराग चौरसिया इज आस्किंग, मैम आप सिविल कब करवाओगे? अनुराग, नेक्स्ट वीक में. आज मैं इसका शेड मैं कोर्स पेज रिव्यू के लिए डालने वाली हूँ और मंडे ट्यूसडे तक हो जाएगा अप्रूव. मोस्टली कमिंग वेडनेसडे या थर्सडे से मैं सिविल लॉ चालू करवाऊँगी अनुराग, ठीक है?
नहीं, EWS क्लैट में एप्लीकेबल नहीं होता है हसन, ये मेडिकल सीट्स के लिए है खास करके। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ओके चलिए, सो ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, स्टार मार्क कर रही हूँ, लिखिएगा। ठीक है, सो क्योंकि अभी तक की ग्रोथ अच्छी रही, बट अभी जो टाइप का ग्रोथ वापस कोविड के केसेस में है, उस हिसाब से रिबाउंड हो सकता है, प्रॉब्लम हो भी सकता है, बट अभी तक ऐसा लग रहा है कि 9.2% जितना GDP ग्रोथ ये साल में आया रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 2022 में। अनदर गुड न्यूज़ इज, स्टार मार्क कर रही हूँ, मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो मदर टेरेसा का NGO है, उनको गवर्नमेंट ने उनका FCRA नॉड रुका दिया था, दैट इज़ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंडर जो नॉड मिलना चाहिए, अप्रूवल मिलना चाहिए फॉर रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर चैरिटी और डोनेशंस, एज अ चैरिटी डोनेशन फॉरेन से कॉन्ट्रीब्यूशन अगर उनको लेने हैं तो उनको ये अप्रूवल चाहिए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का अंडर FCRA एक्ट। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी का अटका दिया था ये, नॉड नहीं दिया था, जो रिस्टोर हो चुका है अभी वापस दे दिया है उनको। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैड साइटेड एडवर्स इनपुट्स फॉर रिजेक्शन, कि उनके साथ से एडवर्स इनपुट्स थे कुछ रिकॉर्ड्स में, इसके वजह से हमने रिजेक्शन किया था, बट दैट इज़ सॉर्टेड नाउ और रिस्टोर उन्होंने नॉड किया है, इसलिए मतलब वापस उनको अप्रूवल मिल चुका है। दिस इज़ अ गुड न्यूज़, ये सब हेडलाइन और हाईलाइटेड पार्ट लिखिएगा। ठीक है, तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, जो एक ऐप बनाया गया था जिसमें मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया, एंड येस्टरडे असम से नीरज नाम के 20 साल के लड़के को दिल्ली पुलिस ने भी अरेस्ट किया, इन द ऐप जिसमें मुस्लिम विमेन को लाइक बेचने लेने की बात हो रही थी, फेक सेलिंग के बारे में बात हो रही थी, वो ऐप के जो कल्प्रिट थे, मेन कल्प्रिट जिसने ये ऐप बनाया था, वो नीरज को पकड़ा गया, कल दिल्ली पुलिस ने पकड़ाया। उसके पेरेंट्स का ऐसा बोलना था कि ही वॉज अ वेरी यू नो इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, ही वॉज ही यूज टू स्टे अलूफ ऑल द टाइम एंड टोटली सेल्फ टॉट है, मतलब कहीं ट्यूशंस क्लासेस कभी कुछ नहीं किया है, खुद से ही किया है, फ़ोन भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, बट जस्ट लैपटॉप से हमेशा चिपका रहता था, तो लैपटॉप से बेसिकली ये काम फिर उसने किया है, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है वगैरह, उसके पेरेंट्स ने बोला है। तो ये ध्यान में रखना है, लिखना नहीं है ये न्यूज़ हालांकि, ठीक है, सब लोग क्लियर है इसको लेके। वेरी गुड मॉर्निंग विकास, शशिका, एवरीबडी, हर्षराज, हाउ डू यू नो दैट, डू यू स्टे विथ हर? एनीवेज आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू ऑल दिस कॉन्ट्रोवर्सी, मुझे सिंपली पढ़ाना है, आज बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज कवर करने हैं हमें, आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही सारे न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तो हमें बिना एनी टाइम वेस्ट मुझे इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, मुझे और कुछ बात नहीं करनी है अभी। ठीक है, किसी को भी कुछ जेन्यून डाउट्स है तो मुझे बता सकते हो, ठीक है, बाकी किसी को ऐसे जेन्यून प्रॉब्लम्स लग रहे हैं कि मैम आप अच्छा नहीं पढ़ाती, आप अच्छे न्यूज़ कवर नहीं करती, तो आई डोंट फोर्स एनीबडी टू ज्वाइन दिस क्लास, ओके, तो ये सिंपली मैं बता सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज होम क्वारंटाइन मस्ट फॉर ओवरसीज फ्लायर्स, तो ओवरसीज से इंडिया जो भी आ रहा है उनको कंपलसरी होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा, कोई इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स में करने की ज़रूरत नहीं है, बट 7 दिन का घर पे क्वारंटाइन हो जाने का, आके कहीं बाहर नहीं निकलने का फॉर 7 डेज, सो ये 7 डे होम क्वारंटाइन कंपलसरी
स्टार्ट होगा विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 11, अभी से नहीं है, 11 जनवरी से ये गाइडलाइंस के हिसाब से हो जाएगा लागू। तो ये ध्यान में रखिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम नहीं करेंगे इतना डिटेल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गेट पीएम्स सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट टेल्स हाई कोर्ट। सो पीएम की जो सिक्योरिटी में सिक्योरिटी को थ्रेट हो गया पंजाब में, उनके कॉन्वॉय को पीएम के कॉन्वॉय को ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक हाईवे पे रुकना पड़ा, ये जो सिक्योरिटी थ्रेट हुआ इसमें पीएम की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो रिकॉर्ड्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने मंगाया है हाई कोर्ट के पास से वो, ठीक है। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब पैनल, देखिए दो लेवल पे इंक्वायरी चल रही है इसके इसको लेके, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है और पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है, तो दोनों को ना बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि दे आर नॉट सपोज टू गो अहेड विद द इन्वेस्टिगेशन टिल मंडे। दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉप करवा दिया है। दोनों लेवल पे कैसे ये चल रही है इन्वेस्टिगेशन वगैरह, इसके बारे में आज एक एडिटोरियल है जो हमें पढ़ना है, कूल ठीक है। तो ये एक हमें ध्यान में रखना है, बट ये लिखने वाली न्यूज़ नहीं है ऐसा, सिर्फ ध्यान में रखिए क्योंकि इसके रिगार्डिंग कुछ और अपडेट आएगी, सुप्रीम कोर्ट कुछ ठोस डिसीजन देगा तो वो हम लिखेंगे, ये अभी लिखने वाली न्यूज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, अवेटिंग लॉ पैनल रिपोर्ट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेंटर सेज दिस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वाइल वन केस वॉज गोइंग ऑन इन दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला सर्टेन एक नेशनल यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉज बनाने के लिए, तभी दिल्ली हाई कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि लॉ पैनल का रिपोर्ट हम बस वेट कर रहे हैं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ही चाहते हैं, जो डिफरेंट प्रॉपर्टी और अलग अलग मैट्रिमोनियल लॉज है, इट्स अफरेंट टू यूनिटी, एक यूनिटी उसके वजह से नहीं आ पा रही है। तो सिटीजन बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस एंड डिनोमिनेशंस फॉलो डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड मैट्रिमोनियल लॉज विच आर एन अफ्रंट टू द नेशंस यूनिटी। द सेंटर हैज़ इन्फॉर्म द दिल्ली हाई कोर्ट वेल रिस्पॉन्डिंग टू अ प्ली सीकिंग डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट टू ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट करो, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जवाब दिया है कि डेफिनेटली हम बनाना ही चाहते हैं बट हम लॉ पैनल का रिपोर्ट इस रिगार्डिंग अभी वेट कर रहे हैं, लॉ पैनल इज़ यू नो मेकिंग अ रिपोर्ट ऑन दिस। दिस इज़ अ बिग बिग इम्पॉर्टेंट न्यूज़, आई वुड से स्टार मार्क कर रही हूँ, लिखिएगा ज़रूर, जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना लिखना है। हेमंत सोरेन वाली न्यूज़ बेटा नहीं, मतलब देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको करनी है अभी, व्हाट इज़ द न्यूज़ आपको अगर समझना है तो यूथ फोर्स टू लिक हिज स्पिट, चैन जय श्री राम। तो किसी यूथ को फोर्स किया गया कि आप अपना मतलब उनका थूक जो होता है स्पिट वो लिख करो और जय श्री राम कंपल्सरी उनके पास बुलवाया। सो ही एलिजिबली यूज सम अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स अगेंस्ट पीएम। तो एक यूथ ने बेसिकली पीएम के अगेंस्ट कुछ बोला तो उनके पास ये करवाया गया। नाउ इन नो वे दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नॉट सम करंट अफेयर विच इज़ लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, डू यू गेट दैट? दैट इज वाई वी विल स्किप सच न्यूज, अंडरस्टूड हसन? सो हमें नेशनल लॉ लेवल की हम लोग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं लॉ का, तो दो आपको क्लैट पेपर में स्पेसिफिकली लीगल करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ पूछेंगे और बाकी इसमें करंट अफेयर्स। तो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है नेशनल लेवल पे जो कंट्रोवर्सी होती है, अलग अलग इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज़ लाइक आरबीआई नई स्कीम्स ला रही है, बैंक्स के लिए कुछ नए रूल्स आ रहे हैं, ऐसी सारी फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ या बड़ी नई स्कीम्स के न्यूज़, कोई कंट्रोवर्सी के न्यूज़, ये सारी न्यूज़ आपको करंट अफेयर्स में पूछी जाएगी। और इंटरनेशनल लेवल की भी ऑफकोर्स कोई न्यूज़ जो है ये सारी चीज़ पूछी जाएगी, नॉट सच यू नो
माइनर थिंग्स, तो वो डेफिनेटली हम स्किप करेंगे. तो ये नेशनल लेवल का लॉ एंट्रेंस एग्जाम, आप सारी दिल्ली वाला दो या कोई भी, ये सब चीज़ नहीं पूछा जाता है. ठीक है, ओके. ये वाली एक न्यूज़ है, FIR अगेंस्ट हेयर स्टाइलिस्ट हबीब. अभी ये वाली मैं इसलिए करवा रही हूँ, देखिए वो वाला हम नहीं कर रहे और ये क्यों कर रहे हैं वो भी मैं समझा रही हूँ. लीगल करंट अफेयर्स में व्हेनेवर कोई IPC के अंडर किसी के अगेंस्ट या NCW ऐसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने समन किया है, तो ऐसी सब लीगल के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है. FIR उनके अगेंस्ट दर्ज हुई है इसलिए. तो FIR अगेंस्ट हेयर स्टाइलिस्ट हबीब, सब लोग जानते होंगे जावेद हबीब को, बहुत सारे आउटलेट्स हैं उनके. तो उन्होंने किसी विमेन पे स्पिट किया उनके सर पे वाइल स्टाइलिंग हर हेयर. तो इस वो विमेन ने उसकी FIR दर्ज करवा ली. और एक्चुअली बहुत सारे और वीडियोस भी इसके लिए स्प्रेड हो रहे हैं, इसलिए मैं ये सिर्फ इसका जस्ट आइडिया दे रही हूँ कि ऐसा हुआ है. और इसमें फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी इन्वॉल्व हो गया है कि हाउ डेयर ही डू दैट एंड ऑल. तो उनके अगेंस्ट FIR दर्ज हुई है, जस्ट इतना ध्यान में रखने वाला न्यूज़ है. ठीक है, एक बार सिर्फ लिख लीजिएगा ये वाला. चलिए नेक्स्ट वन इज पैनल टू हियर वानखेड़े कंप्लेन ऑन 31 जनवरी. तो हम पढ़ते रहते हैं NCB के जो ऑफिसर थे समीर वानखेड़े, नाउ उनका तो टर्म ख़त्म हो गया है 31 दिसंबर को, ही इज़ बैक टू हिज रेवेन्यू डिपार्टमेंट. बट जिस तरीके से नवाब मलिक NCP लीडर उनके पीछे पड़े हैं, तो उन्होंने हैरेसमेंट, एक्स NCB ऑफिसर ने हैरेसमेंट का क्लेम किया है और कंप्लेन की है. और वो इसका उनका कंप्लेन पैनल 31 जनवरी को सुनने वाली है. तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट विल हियर ऑन जनवरी 31 द कंप्लेन फाइल बाय फॉर्मर NCB नारकोटिक एंड कंट्रोल ब्यूरो ऑफिसर समीर वानखेड़े का. तो ये ध्यान में रखना है, उन्होंने भी हैरेसमेंट के लिए कंप्लेन फाइल की है. स्टार मार्क करियो, लिख लीजिएगा सिर्फ अंडरलाइन और हाईलाइटेड पार्ट. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ करेंगे. एडिटोरियल पेज पे हम आ चुके हैं अभी, और दो एडिटोरियल्स हमें करने हैं आज के दिन में, दोनों के दोनों. एक तो है अ सीरियस लैप्स, PM की ट्रैवल के रिगार्डिंग जो इम्प्रूव प्रोटोकॉल की ज़रूरत है एंड रीपर्पजिंग ऑफ SPG माइट बी नेसेसरी. तो जो ये लैप्स हुआ है और इसमें दोनों लेवल पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके बारे में सारी जानकारी हमें ये एडिटोरियल से मिलेगी. तो ये एडिटोरियल हम डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं. चलिए जल्दी से. ऑलराइट, द लैप्स इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स विच लेफ्ट हिज कॉन्वॉय स्ट्रैंडेड ऑन अ फ्लाईओवर फॉर अराउंड 10-20 मिनट्स नियर फिरोजपुर इन पंजाब ऑन वेनसडे इज इंडीड अ सीरियस वन. तो डेफिनेटली ये बड़ा सीरियस चीज़ हो गया एज स्टेटेड बाई यूनियन होम मिनिस्ट्री. बट वाई क्विकली ब्लेमिंग द पंजाब गवर्नमेंट एंड द स्टेट पुलिस सेंट्रल फंक्शनरीज ट्रिगर्ड अ ब्लेम गेम दैट हैज फर्स्ट ऑल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फेयर एंड क्रेडिबल इंक्वायरी इन टू द इंसिडेंट. तो ये एक बड़ा ही खराब इंसिडेंट हो गया, PM की का कॉन्वॉय जिस तरीके से रोका गया, और तुरंत ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल फंक्शनरीज ने ब्लेम कर दिया कि पंजाब पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट का फॉल्ट है इसमें. टू पैरेलल इंक्वायरीज अनाउंस हुई है इसकी वजह से, एक सेंट्रल करेगी एक स्टेट मतलब पंजाब करेगी. बोथ ऑफ विच आर ऑन होल्ड, और दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे डाल दिया है. हमने आज अभी फ्रंट पेज पे ही पढ़ा, अंटिल मंडे व्हेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल हियर अ प्ली ऑन द इश्यू. और मंडे से सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर केस सुनेगी. Discussions on national security are always surcharged in India, but at least this one involving the personal security of Prime Minister should have been more tempered. So, definitely national security का discussion always important ही होता है इंडिया में, but personal security जो Prime Minister की है इसके इसके regarding ज़्यादा importance अभी दिया जा रहा है. सो यूनियन मिनिस्टर्स एंड भारतीय जनता पार्टी फंक्शनरीज टर्न्ड दिस इनटू येट अनदर लॉयल्टी टेस्ट, राइट?
तो इसको थोड़ा ड्रामा किया है हमने। आगे के पेज पे भी कुछ न्यूज़ है जो मैं करवाने नहीं वाली हूँ, आपको बता दूँ सिर्फ कि किसी ने इनके लिए हवन करवाया, बीजेपी के किसी नेता ने पीएम की सिक्योरिटी के लिए। अरे ठीक हो गया, चीज़ जो हो गया वो हो गया, अभी वो यज्ञ करवा रहे हैं उसके लिए, फिर कोई उनके लिए कुछ और यू नो मन्नत मान रहे, ये वगैरह एकदम ड्रामा हो रहा है फुल ऑन। सो जनता पार्टी फंक्शनली दिस इनटू अनदर लॉयल्टी टेस्ट में डाला है एंड रिसॉर्टेड टू हाइपरबोल। इंडिया टेक्स द सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर वेरी सीरियसली। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, आफ्टर ऑल अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर रिवॉर्ड एज अ फादर ऑफ द नेशन आर अमंग द लिस्ट ऑफ कंट्रीज असैसिनेटेड लीडर्स। ऑफ कोर्स इंडिया में देर हैव बीन द एग्जाम्पल्स ऑफ असैसिनेशन, मर्डर के एग्जाम्पल रह चुके हैं, जिसमें सिटिंग प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का मर्डर हुआ था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का भी मर्डर हो चुका था एंड हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का भी असैसिनेशन हुआ था। तो ऐसी हिस्ट्री में ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का ध्यान रखना तो बनता है। द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG विद एन आउटले, मतलब उनका एक इनकम आई मीन एक्सपेंस उनके पीछे होता है 600 करोड़ का, 2020 में हुआ था, एंड अराउंड 3,000 पर्सोनल हैज जस्ट वन जॉब, प्रोटेक्ट वन पर्सन द प्राइम मिनिस्टर। सो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए होता है, जिसमें 600 करोड़ रुपए 2020 में डाले गए थे। द क्रिटिकल क्वेश्चन दैट इज टू बी प्रोब्ड इज हु मेड द डिसीजन दैट प्राइम मिनिस्टर कुड एंड शुड ट्रैवल बाई रोड फॉर मोर देन 100 किलोमीटर फ्रॉम बठिंडा टू फिरोजपुर एंड वॉट इनपुट्स वेंट इन टू मेकिंग दैट डिसीजन। अभी क्रिटिकल क्वेश्चन इसमें ये रहेगा, सुप्रीम कोर्ट जब भी केस सुनेगी और उसकी रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन रहेगा, कि किसने डिसीजन लिया था कि प्राइम मिनिस्टर बाय रोड ट्रैवल करेंगे फॉर मोर देन 100 किलोमीटर। रोड्स आर लाइक पब्लिक प्लेसेस, तो उसमें पब्लिक से एनकाउंटर तो हो ही सकता है उनका। सो हु डिसाइडेड दैट कि वो रोड से ट्रैवल करेंगे मोर देन 100 किलोमीटर, ऑलमोस्ट बठिंडा से फिरोजपुर तक, एंड वॉट इनपुट्स वेंट इन टू मेकिंग दैट डिसीजन, और किसके इनपुट्स मिले थे इस डिसीजन को लेने में। अज्यूमिंग दैट समवन कंक्लूडेड दैट इट वॉज एडवाइजेबल फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू बी ऑन द रोड फॉर नियरली 2 आवर्स, द प्रोसेस दैट प्रोसीडेड इट मस्ट बी प्रूव्ड। सो तो किसी ने तो कंक्लूड किया होगा कि 2 घंटे तक जर्नी में प्राइम मिनिस्टर को रखना चाहिए, 100 किलोमीटर से ज़्यादा की जर्नी में, तभी वो ये हुआ। सो इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट बी यूजिंग अ हेलीकॉप्टर एज वॉज ओरिजिनली प्लान। तो ये भी तो डिसाइड हुआ होगा कि प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, रोड से जाएंगे। ये किसने डिसाइड किया था, ये सब जानकारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द रूट वॉज आइडेंटिफाइड इन एडवांस एज अ कंटिजेंसी प्लान, और ऑब्वियसली वो जहाँ से जाने वाले हैं एज अ कंटिजेंसी प्लान पहले ही वो रूट को चेक कर लिया जाता है कि वो ठीक है या नहीं। बट द डिसीजन टू यूज़ इट वॉज मेड एट द लास्ट मोमेंट, बट एक्चुअली वो रोड से जाएंगे ऐसा लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ था। अ वर्जन दैट बोथ द स्टेट एंड स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट्स अग्री ऑन। तो ये जो चीज़ है, ये बात है, इस पर दोनों अग्री करते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि लास्ट मिनट पे रूट डिसाइड हुआ था और उसी के कारण भी इश्यू हुआ हो सकता है। वेरियस सिनारियोज इन्वॉल्विंग मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस जजमेंट आर पॉसिबल। बहुत सारे सिनारियो हो सकते हैं इसमें। प्रोटेस्टर्स हु ब्लॉक्ड द रूट वर रिपोर्टेडली अनअवेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ट्रैवल। जिस प्रोटेस्टर्स ने ब्लॉक किया था रास्ता, ऐसा बोल रहा है उन लोग का कि उनको नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ से आने वाले हैं, क्योंकि ये तो बताया ही जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की साइड से कि लास्ट मिनट पे ये रूट डिसाइड हुआ था। तो ये तो उनका आर्ग्यूमेंट भी सही बनता है कि हमें नहीं पता था, राइट। एज यूनियन होम मिनिस्टर सेड, अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी फिक्स्ड एंड लूप होल्स मस्ट बी प्लग्ड। तो होम मिनिस्टर ने भी बोला है कि किसको अकाउंटेबल करना और कहाँ लूप होल्स रह गए, ये चेक करना ज़रूरी है। कंसिडरिंग द म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट द स्टेट एंड सेंटर हैव नाउ पब्लिक, अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रो कुड बी अ गुड वे टू गेट द बॉटम ऑफ द मैटर इन अ क्रेडिबल मैनर। तो ऑफकोर्स स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व है इसमें, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट प्रोब एक अच्छा चीज़ रहेगा, एक क्रेडिबल मैनर में चीज़ें हो जाएगी। दिस एपिसोड मस्ट ऑल्सो लीड टू अ मोर एफिशिएंट प्रोटोकॉल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ट्रैवल।
इस इंसिडेंट के बाद ऑफ कोर्स वो सेफ तो है ही, बट आगे से और अच्छे से उनकी प्लानिंग की जाएगी और प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे एंड रीपर्पजिंग ऑफ द एसपीजी इफ रिक्वायर्ड। और एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है उनका रीपर्पजिंग भी शायद किया जाएगा। मीनवाइल लूज स्टॉक डायट्रिब एंड इलेक्शनियरिंग ऑन द इश्यू मस्ट बी शन एट ऑल कॉस्ट। बट मीनवाइल जो पंजाब पुलिस और दूसरी गवर्नमेंट को तुम ब्लेम कर रहे हो वो डेफिनेटली हर कॉस्ट पे अभी के लिए मीनवाइल जब तक सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन ना दे तब तक वो हट ही जाना चाहिए। ये पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशंस नहीं होने चाहिए। तो ये हुआ पूरा मोदी जी की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम हुआ था उसका एडिटोरियल। अगर आपको अच्छा लगा ये एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन तो लाइक बटन ज़रूर हिट कर देना गाइस एंड कमेंट करके बताना आपको समझ में आया या नहीं। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट करके मुझे पूछ भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एडिटोरियल हम देखेंगे कजाकिस्तान के रिगार्डिंग। कजाकिस्तान में जो बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हमने कल ही देखा था, रशिया के ट्रूप्स भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे अभी, ठीक है। हरिहरन इज आस्किंग एडिटोरियल लिखनी है? नहीं, एडिटोरियल नहीं लिखनी है, सिर्फ ये पूरा स्टोरी ध्यान में रखिए, नहीं लिखना है अभी कुछ। लिखने वाला जो पार्ट होता है वो मैं बताती जाऊंगी बट नहीं लिखना है वो वाला। थैंक यू विकास। ओके चलिए गाइज, अगर समझ में आया तो सब लोग लाइक बटन भी हिट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एडिटोरियल कर लेते हैं ऑन द बॉयल। प्रेसिडेंट टोकेव मस्ट बिल्ड अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद पीपल ऑफ कजाकिस्तान। तो एलपीजी के प्राइसेस बढ़ाने पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ अगर कजाकिस्तान में हो गई तो वहाँ के प्रेसिडेंट को पीपल के साथ एक डिफरेंट टाइप का कनेक्ट बनाने की, सोशल कनेक्ट बनाने की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। गाइज मुझे कल शाम में सब लोग बोल रहे थे क्लास में कि बारिश हो रही है पंजाब में 3 दिन से, यूपी में भी हो रही है, आज गाइज मुंबई में भी हो रही है, फुल अंधेरा है आज तो, लिटरली ठंड भी ज़्यादा है और बारिश तो यहाँ भी हो रही है, हम लोग के यहाँ भी आज हो रही है, नॉट जोरों से नहीं, थोड़ी थोड़ी बट हो रही है, मुंबई में भी है आज। दैट वॉज अ वेदर फोरकास्ट। चलिए नेक्स्ट वन ऑन द बॉयल। तो द प्रोटेस्ट दैट ब्रोक आउट इन कजाकिस्तान ऑन January 2 ओवर फ्यूल प्राइस हाइक हैव स्नोबॉल्ड इन टू द बिगेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस द ऑयल रिच सेंट्रल एशियन कंट्रीज लीडरशिप हैज फेस्ड इन ओवर 3 decades। लास्ट 30 साल में कभी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ है ये कजाकिस्तान में, इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया फ्यूल प्राइस हाइक के ऊपर। विच ब्रोक अवे फ्रॉम द सोवियत यूनियन टू बिकम एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक इन 1991। तो सोवियत यूनियन ने हटा के इंडिपेंडेंट रिपब्लिक 1991 में बना था ये कजाकिस्तान। तो इट हैज़ बीन टाइटली रूल्ड बाई स्ट्रॉन्ग मैन एवर सिंस। तो तब से लेके अब तक एकदम टाइटली रूल हुआ है ये कंट्री और ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं आया है। नूर सुल्तान नजर बायेफ ये इंसान ने अभी तक इसको रूल किया है कंट्री को इतने सालों तक। द कंट्रीज पावरफुल लीडर स्टेप डाउन एज प्रेसिडेंट इन 2019। वो स्टेप डाउन हुए 2019 में बट रिटेन एन आउटसाइज इन्फ्लुएंस ओवर द गवर्नमेंट ऑफ हिज चेरी पिक्ड सक्सेसर। तो उन्होंने ही, नूर सुल्तान ने ही अपने सक्सेसर को पिक किया कसीम जोमैट को, टोकेव जो अभी के प्रेसिडेंट है, और उनके थ्रू वो गवर्नमेंट अभी इनडायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस तो कर ही रहे हैं। द कैपिटल सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर मिस्टर नजरबायेव एज नूर सुल्तान एंड हिज स्टैचूज इरेक्टेड अक्रॉस द कंट्री। कैपिटल सिटी भी उनके ही नाम पे रखा गया था एंड बहुत सारे पूरे कंट्री में उनके बहुत सारे स्टैचूज लगा दिए गए इवन आफ्टर ही स्टेप डाउन। अनसरप्राइजिंगली मिस्टर नाजर बेयेव हु एम्बॉडिज द ओल्ड रिजीम वॉज द सेंटर ऑफ पब्लिक एंगर। बट अनसरप्राइजिंगली मतलब लोगों को पता है, वैसे तो इट्स नोन के मिस्टर नजर बायेव
जिन्होंने ओल्ड रिजीम इतने सालों से चलाई, एक्चुअली लोगों का पब्लिक एंगर उन्हीं के कारण है, था, उन्हीं पे है। द प्रोटेस्ट चैंटिंग स्लोगन्स के ओल्ड मैन आउट, उनको आउट करने की, कि ही शुड नॉट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट नाउ, वो पॉइंट ऑफ व्यू से लोग स्लोगन्स भी प्रोटेस्टर्स चैंट कर रहे थे, उनके स्टैचूज भी जलाए गए। शेकन बाय मास गैदरिंग्स एंड वायलेंस, मिस्टर टॉकियव टुक अ सीरीज ऑफ स्विफ्ट मेजर्स टू क्वेल द अनरेस्ट। तो मिस्टर टॉकियव ऑफकोर्स पूरे हिल गए हैं शेकन बाई दिस मास गैदरिंग्स एंड वायलेंस, तो उन्होंने काफ़ी मेजर्स लिए हैं स्विफ्टली। ही रिवर्स द फ्यूल प्राइस हाइक, फ्यूल प्राइस हाइक भी उन्होंने रिवर्स कर ली। सैक्ड हिज कैबिनेट एंड रिप्लेस मिस्टर नजरबायेव एज अ सिक्योरिटी काउंसिल्स चेयर विद हिमसेल्फ। और पता चला कि नजरबायेव की टूवर्ड्स ही हेट्रेड इतना है, तो सिक्योरिटी काउंसिल से भी उनको हटा के खुद को ही चेयरपर्सन अपॉइंट कर लिया। ठीक है, सो ही हैज ऑल्सो रिक्वेस्टेड द रशिया लेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्प। उन्होंने रशिया को भी हेल्प के लिए बुलाया और रशिया आ भी गए। विलिंग व्लादिमीर पुटिन द रशियन प्रेसिडेंट क्विकली डिस्पैच ट्रूप्स, और उन्होंने तुरंत अपने ट्रूप्स भेज दिए। नॉट मैनी हैड फोरसीन अ क्राइसिस ऑफ दिस प्रपोर्शन कमिंग, बट कजाकिस्तान हैज़ विटनेस ग्रोइंग लेबर एंड एथनिक अनरेस्ट इन रिसेंट ईयर्स। बट किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा। बट लास्ट कुछ टाइम से ग्रोइंग लेबर एंड एथनिक अनरेस्ट और प्रोटेस्ट कजाकिस्तान ने देखे ही है। डिस्पाइट इट्स ऑयल वेल्थ, लो सैलरीज एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस हैव ऑलवेज बीन इश्यूज। सो इवन तो ऑयल का इतना पैसा मिलता है एक कंट्री को, वहाँ लोगों को सैलरी कम दी जाती है और बहुत ख़राब कंडीशंस में वर्क करवाया जाता है, इससे लोग ऑफकोर्स बहुत गुस्सा है ही। मैनी होप्ड दैट मिस्टर टोकिए वुड ब्रिंग इन चेंज, बहुत लोगों को लगा था कि मिस्टर टोकिए चेंज लाएंगे। बट जो कंट्री ऑयल रिच है और उसी कंट्री में तुम फ्यूल के प्राइस बढ़ा रहे हो और पब्लिक को परेशान कर रहे हो, तो लोगों से रहा नहीं गया, प्रोटेस्ट कर लिए। बट दे सॉ मिस्टर नजरबायेव कंटिन्यूइंग टू पुल द स्ट्रिंग्स। तो मिस्टर टॉकीव के आने के बाद भी लोगों ने देखा कि अभी भी नजरबायेव ही पूरा कंट्रोल रख रहे हैं अपने हाथ में। तो पैंडेमिक इंड्यूस्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन, और पैंडेमिक के वजह से बहुत इकोनॉमी भी गिर गई। एंड सोरिंग इन्फ्लेशन मेड मैटर्स वर्स, और इन्फ्लेशन बढ़ गया इतना, महंगाई बढ़ गया, एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू लाइक सर्वाइव मच, बिकॉज उनको तो कम ही सैलरी मिलता था लोगों को। तो पब्लिक रिसेंटमेंट वॉज बिल्डिंग अप अगेंस्ट द रूलिंग एलाइट ईयर्स। तो ये रूलर जिसने 30 साल तक ऑलमोस्ट चलाई कंट्री, उसके अगेंस्ट हेट्रेड लोगों का और बढ़ गया। एंड फ्यूल प्राइस से तो आग एकदम ज़्यादा ही बढ़ गई। हाइक डिड जस्ट द लाइट द फ्यूज, ट्रिगरिंग प्रोटेस्ट फर्स्ट इन जैनहोजेन, अ सिटी इन द वेस्टर्न मैंगेत्सू रीजन दैट हैड सीन अनरेस्ट इन द रिसेंट पास्ट। वहाँ से स्टार्ट हुआ, देन स्प्रेड हुए अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में, एस्पेशली टू अल्माटी द लार्जेस्ट सिटी वेयर मोब्स स्टॉर्म द मेयर्स ऑफिस। लार्जेस्ट सिटी वहाँ का है, वहाँ भी फिर बहुत बढ़ गए प्रोटेस्ट, और वहाँ मेयर के ऑफिस पे भी अटैक हो गए। प्रोटेस्टर्स एम्बोल्डन्ड बाय द कंसेशंस द रिजीम हैज़ मेड, नाउ डिमांड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। दे डिमांड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, के हमें बहुत बड़े लेवल पे पॉलिटिकल चेंजेस चाहिए, जो कि उन्होंने कर भी लिए टॉकीव ने फटाफट से, जैसे कि खुद को चेयरपर्सन अपॉइंट कर लिया सिक्योरिटी काउंसिल का, फ्यूल प्राइस भी रिवर्स कर लिए और फटाफट एक्शन लिए। फॉर मिस्टर टॉकीव दिस इज़ द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ हिज प्रेसिडेंसी, बट ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। मिस्टर टॉकीव खुद से फिर रूल कर सकते हैं नज़र बाइव के इसमें से निकल के। ठीक है, तो इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के दिल जीतने का। इट्स क्राइसिस बिकॉज इन अ कंट्री वेयर पब्लिक वॉज टॉट टू एड्यूलेट देयर रूलर्स, द वायलेंट क्लैशेस रेज बोथ पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस टू द रूलिंग एलाइट। तो एक कंट्री जहाँ पब्लिक को सिखाया गया था कि उनके रूलर के हिसाब से ही चलना है, ये वायलेंट क्लैशेस ने दोनों पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस कंट्री के लिए लेके आए हैं। ऑन द अदर साइड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रेसिडेंट टू कम आउट ऑफ द शेडोज ऑफ द ओल्ड रिजिम। तो ये अच्छा मौका है प्रेसिडेंट के पास अच्छी खासी प्रॉपर डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट लाने का, ओल्ड रिजिम से बाहर निकलने का। द आउटकम ऑफ करंट क्राइसिस वुड लार्जली डिपेंड ऑन द चॉइसेस ही वुड मेक। तो मिस्टर टॉकीव कैसी चॉइसेस करते हैं इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि ये करंट क्राइसिस लंबे चलेंगे या ख़त्म हमेशा के लिए हो जाएंगे। डीलिंग विद द प्रोटेस्ट ओनली थ्रू फोर्स
including with help from Russia, the Belarus model would not resolve the underlying issues. तो ये प्रोटेस्ट के साथ अगर फोर्स के साथ डील करेंगे, इफ दे विल डील थ्रू फोर्स, जैसे कि वो कर रहे हैं, जैसे कि बेलारूस में हुआ था, यही मॉडल अगर उन्होंने फॉलो किया तो ये अच्छा नहीं होगा। रशिया की हेल्प लेके अगर किया तो अच्छा नहीं होगा। जो वो लोग एक्चुअली कर रहे हैं, डजन्स लोगों को मार रहे हैं, इससे सिचुएशन और वर्स्ट ही होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, द अदर ऑप्शन, द मोस्ट सेंसिबल वन, इज टू रीच आउट टू द एंग्री पब्लिक, होल्ड कंसल्टेशंस एंड बिल्ड कंसेंसस टू एंटर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद पीपल ऑफ कजाकिस्तान। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक के साथ शांति से निगोशिएट करके, उनके उनको भी क्या चाहिए वो समझ के पब्लिक की मर्ज़ी से न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट करे और चीज़ें एकदम शांत करे और नए टाइप से गवर्नमेंट चलाए। तो ये करना एक्चुअली बहुत ज़रूरी होगा, फोर्स से करने जाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो दिस वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आज के तारीख में, सीरियसली ये इम्पॉर्टेंट है हमें पढ़ना। एक सेकेंड गाइज, ये हम आगे हो गया पेज। तो कजाकिस्तान में अगर लॉन्ग टाइम के लिए पीस लानी है तो ये प्रेसिडेंट टोकियव के हाथ में ही है। आई होप आप लोग को ये पूरा एडिटोरियल समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक बटन हिट करना, कमेंट करके मेरे को बताना कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे और कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देखते हैं। चाइना डिफेंस कंस्ट्रक्शन सेज इट इज़ विद इन इट्स सोवेरनिटी। तो जो नया ब्रिज बना रहे हैं चाइना, ऑफ कोर्स इंडिया ने उनको कन्फ्रंट किया है कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू। तो चाइना बोल रहा है कि ये तो मेरी हमारी सोवेरनिटी के अंडर ही है। इंडिया ने बोल दिया है कि ये ब्रिज जो बिल्ड कर रहे हैं, इट्स एन एरिया अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन। उनको वॉर्न कर लिया है, अगर नहीं हुआ तो कुछ बड़ा प्रॉब्लम भी आ सकता है, वॉर टाइप सिचुएशन भी आ सकता है अगर चाइना सीधे से नहीं मानी। क्योंकि इधर ये कर रही है अरुणाचल प्रदेश में, हमारी सिटीज़ के नाम चेंज कर रहे हैं, विलेजेस के नाम चेंज कर रहे हैं। डोंट नो व्हाट आर दे अप टू चाइना इज। नेक्स्ट वन इज़ लाइक ओमिक्रॉन। कल हमने देखा था 1 लाख नए केसेस हैं, इसमें से 3,007 तो ओमिक्रॉन है, मतलब सिर्फ 3,007 ओमिक्रॉन केसेस आए हैं। ठीक है, इसमें से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, ये सब जगह पे ज़्यादा है। तो एक एक्टिव केसेस 3,71,363 हो गए, हाईएस्ट इन लास्ट 120 डेज। तो ये सब लिखना नहीं है, बट जस्ट जस्ट जानकारी दे रही हूँ। हमने जो एडिटोरियल में अभी ओपिनियन पढ़ा, इससे बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं अभी के जो लीडर मिस्टर टोकियव है। ही हैज़ गिवन शूट टू किल ऑर्डर, जिसको भी शूट करो मार ही डालो, मतलब जो भी प्रोटेस्ट करा उनको मार ही डालो, ये टाइप का वो ऑर्डर इश्यू किए हैं। टेररिस्ट कंटिन्यू टू डैमेज प्रॉपर्टी एंड यूज वेपन्स अगेंस्ट सिविलियंस, सेज प्रेसिडेंट टोकियव। प्रेसिडेंट टोकियव का बोलना है कि जो टेररिस्ट है ये लोग प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं और वेपन्स यूज कर रहे हैं सिविलियंस के अगेंस्ट, इसलिए हम लोग ने शूट टू किल का ऑर्डर दे दिया है। ये जो फोटो आप देख रहे हो इसमें पिक्चर, ये रशिया से सारे ट्रूप्स रवाना हो गए थे, उसकी पिक्चर है। नेक्स्ट वन इज जापान यूएस एक्सपांड डिफेंस कॉपरेशन। जापान और यूएसए ने अपना डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाया है अमिड टेंशन्स विद चाइना। इवन जापान, जैसे इंडिया के साथ चाइना सीधे से नहीं चल रहा है, यूएस और जापान के साथ भी नहीं है सीधे से। तो अमिड टेंशन्स विद चाइना, टोक्यो अग्रीज टू कंटिन्यू होस्टिंग 50,000 यूएस ट्रूप्स। तो 50,000 यूएस के ट्रूप्स जापान में जाएंगे, टोक्यो इस चीज़ के लिए अग्री कर रहे हैं। तो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन गाइज, स्टार मार्क करियो, लिखिएगा, ये कॉपरेशन भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, बिजनेस न्यूज़ में ये वाला है, मैंने आपको जैसे फ्रंट में जब भी फर्स्ट न्यूज़ पढ़ा रही थी फ्रंट पेज की, तभी बताया था। इंडिया टू सरपास जापान एज एशिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2030।
एक सेकेंड गाइस, मेरा फ़ोन ही ऑफ हो गया था, आप लोग की कमेंट्स में नहीं पढ़ पाऊंगी। तो दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ गाइस, IHS मार्केट सीज कंजम्पशन स्पेंडिंग डबलिंग ओवर अ डिकेड टू $3 trillion बाई 2030। तो इंडिया बहुत बड़ा इकोनॉमी, इवन जापान को पीछे छोड़ देगा, एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट, चाइना के बाद इंडिया बन जाएगा। गोइंग बी बिग न्यूज़, लिखनी नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखिए। एंड या वी आर डन विथ ऑलमोस्ट ऑल आर इम्पोर्टेंट न्यूज़। अगर आपको सारे न्यूज़ समझ में आया है तो लाइक बटन हिट करना, कमेंट करना और बताना कैसी लगी सेशन, और कुछ डाउट्स है तो पूछ लेना गाइस। नो हर्ष, डेफिनेटली नॉट, मतलब माई टीम एक्चुअली वॉन्ट्स मी टू टेक इवन अर्ली मॉर्निंग, लाइक 7, 8 या 9 o'clock तक लो, बट ड्यू टू डेफिनेटली आई एम अ मैरिड वुमेन, सो मेरे को घर में सुबह तो 7, 8 o'clock लाइक फुल, मतलब सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तो आई के नॉट डू दैट। तो इसीलिए मॉर्निंग ही सेशन पॉसिबल है, बिकॉज अगर आज का न्यूज़पेपर है तो मैं आज ही पढ़ाऊँगी तो वो लॉजिकल है, राइट? तो मैं इवनिंग में पढ़ाऊँगी तो जिसको इवनिंग में कंफर्टेबल नहीं है वो लोग का दूसरे दिन पे जाएगा पढ़ने का, तो दैट्स नॉट द राइट वे टू डू। आप कोई भी और चैनल्स पे भी देख लो, न्यूज़पेपर एनालिसिस मॉर्निंग में ही होते हैं, तो मॉर्निंग से मैं बता दूंगी, फिर पूरे टाइम दिन में जिसको भी जब भी टाइम है सब लोग रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। तो कोई लोग मॉर्निंग में देख ले, आफ्टरनून देख ले, इवनिंग देख ले, बट आज का न्यूज़ पढ़ना ज़रूरी है, लेट न्यूज़ नहीं पढ़ सकते। तो डेफिनेटली हर्ष मॉर्निंग सेशंस ही होगा, आई विल ट्राई टू टेक इट अर्ली, जितना अर्ली हो सके, लेट तो इवनिंग तो पॉसिबल ही नहीं है और वो लॉजिकल भी नहीं है। तो आपको अगर अभी नहीं कंफर्टेबल है आप कभी भी पूरे दिन में रिकॉर्डिंग देख सकते हो। वेरी गुड मॉर्निंग सैया, मैंने सबको वेरी गुड मॉर्निंग बताया बोला था बेटा, अभी मेरा फ़ोन बंद हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था, अभी मैंने वापस ऑन के करके कमेंट्स देखी आपकी। ये कौन है द फन वे जी जी, मैंगो का मीठा फ्रूट हो मैम, आप क्यूट हो। ये क्या था यार, बारिश इधर भी आ गई यार। चलिए ऑलराइट गाइस, आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।